हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप के बिगेस्ट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों टीमों के बीच में। दोस्तों, ये मैच दोपहर को 2 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। तो बड़ा मैच है, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपको हाई इंटेंसिटी ये मैच देखने को मिलेगा। और बात करेंगे हम लोग, फोकस करेंगे क्रिकेट के ऊपर, हम लोग फोकस करेंगे फैंटेसी के ऊपर, बिकॉज हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑब्वियसली इंडियन टीम का जितना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हमें तो फैंटेसी खेलनी है, ठीक है? तो डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे खेलेगा, ठीक है, और कहाँ बैटिंग ऑर्डर रहेगी, कौन सा बॉलर किस बैटर को परेशान करेगा, क्या बैटिंग पिच रहेगी, क्या बॉलिंग पिच रहेगी, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, किस प्लेयर को पिक करना है ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में, डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहो, बिल्कुल भी वीडियो को ड्रॉप मत करना, ठीक है? बढ़ते आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिच रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है पिच। इस पिच पे होने वाला है मैच, ठीक है? एक दिन पहले फोटो लिया गया हुआ है मैच से, एक दिन पहले। पिच पे ज्यादा ग्रास दिख नहीं रही है, बारीक बारीक ग्रास दिख रही है, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि पिच को पकड़ के रखे, ठीक है, इसी वजह से उसको रखा गया है। तो लग रही है कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच, ठीक है, देखने से तो पता चलता है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है। जो टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेगी, बिकॉज सेकंड इनिंग में ड्यू आती है, तो थोड़ा सा टॉस यहाँ पे मैटर कर सकता है। और पिछले मैच में देख ही लिया हम लोगों ने, इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड वाले मैच में इंग्लैंड 282 ही बना पाई और न्यूजीलैंड ने वन साइडेड यहाँ पे चेस किया था। वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच था और बढ़िया मैच देख, मतलब वन साइड ले गई थी न्यूजीलैंड, ठीक है, सेकंड इनिंग में। ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कौन टॉस जीतता है और दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 रहती है, ठीक है? बढ़ते आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिया के बारे में। तो ये रही थी इंडिया की प्लेइंग 11 पिछले मैच में। इस मैच में क्या चेंजेस है? देखो, एक चेंज तो मुझे लगता है 100% हो जाना चाहिए, जो है कि शुभमन गिल रिप्लेस कर देंगे ईशान किशन को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने कहा कि 99% फिट है, ठीक है, 1% बाकी है। तो और फुटबॉल खेले, सब खेले उन्होंने, वो प्रैक्टिस करी 1 घंटे, तो लग रहा है कि वो अभी फिट है और मोस्ट लाइकली शुभमन गिल रिप्लेस करेंगे ईशान किशन को। फिर बात आती है शार्दुल ठाकुर और अश्विन, दोनों में से कौन खेलेगा? अगर स्पिनर्स के लिए हेल्प रहा तो अश्विन खेल जाएंगे, अगर पेसर फ्रेंडली पिच रही तो शार्दुल खेलेंगे। तो यही आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी कोई जगह पे आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं दोनों मैचेस में हुआ क्या है। तो अच्छा किया इंडिया ने अब तक दोनों मैचेस में, ठीक है। तो पहले मैच में ईशान तो 0 पे आउट हुए, रोहित 0 पे आउट हुए। सेकंड मैच में 47 बनाए थे ईशान ने और रोहित ने बनाए 131 84 बॉल में। विराट कोहली ने पहले मैच में 85 बनाए, सेकंड मैच 55 नॉट आउट बनाए। श्रेयस अय्यर पहले मैच में 0 पे आउट हुए, सेकंड मैच में नॉट आउट 25 बनाए। केएल राहुल ने पहले मैच में 97 नॉट आउट बनाए थे, सेकंड मैच में बैटिंग नहीं मिली। हार्दिक को भी सेकंड मैच में बैटिंग नहीं मिली, बट सेकंड मैच में इनको 2 विकेट्स मिली थी, तो ये थोड़ा नोट करके चलना। वही बात कर जड्डू की, तो पहले मैच में 3 विकेट थे, सेकंड मैच में विकेट लेस रहे। अश्विन को पहले मैच में 1 विकेट था, सेकंड मैच में इनको खिलाया नहीं गया, इनके जगह पे शार्दुल खेले थे, बिकॉज पिच स्पिनर्स के लिए नहीं थी। बात करें बुमराह की, तो बुमराह को मिल चुके हैं 2 मैच में 6 विकेट। तो बुमराह का फॉर्म सॉलिड रहा है और जबरदस्त बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं। कुलदीप यादव 2 मैच में 3 विकेट, अच्छी बॉलिंग रही है। मोहम्मद सिराज को 2 मैच में 1 ही विकेट है, स्पेशली पिछला मैच जहां पे इनको बहुत रन पड़े थे, थोड़े से ऑफ कलर भी लगे, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच ये रहेगा। और शार्दुल ठाकुर ने भी अच्छा किया था, 6 ओवर में इनको 1 विकेट मिल गया था पिछले मैच में। तो अच्छा कर रहे सारे लोग, अच्छा कर रहे। और मुझे लगता है कि टीम में कोई आपको मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, एक शुभमन गिल को छोड़े, तो बाकी सारे आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। बाकी किसी प्लेयर्स के स्टैट देखना चाहते हो, जैसे शुभमन गिल के देख लो, तगड़े फॉर्म में, जबरदस्त फॉर्म में बंदा है। और अहमदाबाद इस बंदे को बहुत पसंद है, बिकॉज ये गुजरात टाइटंस के लिए खेलता है, यहाँ पे हंड्रेड्स लगा चुका है, तो मजा आएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अब हम लोग पाकिस्तान के बारे में। तो ये रही थी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पिछले मैच में, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया था, तो इन लोगों ने फकर को ड्रॉप करके खिलाया था अब्दुल्ला शफीक को, जिन्होंने 100 भी लगाया था। इसके अलावा कोई और चेंज देखने को नहीं मिला। इस मैच में भी मुझे लगता है मोस्ट लाइकली यही 11 आपको खेलती हुई दिखनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते आगे बात करते हैं अब हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में इनके। तो फकर जमान पहले मैच में खेले सिर्फ 12 रन बनाए, सेकंड मैच में इनको मौका नहीं मिला। अब्दुल्ला शफीक सेकंड मैच में खेले, 100 लगाए, बढ़िया बैटिंग करी। इमाम ने दोनों मैचेस में कुछ खास नहीं किया, दोनों मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। वही बात करें बाबर, तो बाबर भी दोनों मैचेस में फ्लॉप है। रिजवान ने दोनों मैचेस में जबरदस्त बैटिंग करी, पहले मैच में 68 इंपॉर्टेंट, सेकंड मैच में मैच विनिंग पारी 131 नॉट आउट। शॉर्ट सकेल ने 68 और 31 की दो अच्छी पारी अब तक खेली है। नंबर 5 पे इफ्तिकार अहमद ने सेकंड मैच में 22 नॉट आउट बनाए थे और पहले मैच में इनको 1 विकेट भी मिल गया था, तो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों दे देते हैं। शादाब खान की बात करें, 2 मैच में इनको 2 मिली है 2 विकेट, पहले मैच में 32 रन भी बनाए थे। नवाज ने पहले मैच में 39 रन बनाए थे, 2 मैच में 2 विकेट इनको भी मिली है। हसन अली को मिली है 2 मैच में 6 विकेट, तो हसन अली ने बहुत अच्छा किया है।
शाइन को मिली है 2 मैच में सिर्फ 2 विकेट और हरी सौरभ को मिली है 2 मैच में 5 विकेट। तो थोड़ा से शाइन अब तक ऑफ कलर लगे हैं, विकेट का कॉलम उतना भरा है नहीं, बट अहमदाबाद की पिच इनको सूट करेगी और ये इंडियन बैटर्स को भी तो न्यू बॉल परेशान कर सकते हैं। और किसी के स्टैट्स देखना चाहते हो देख सकते हो, बट मोस्ट लाइकली मुझे टीम में कोई ज्यादा चेंजेस होते हुए दिख नहीं रहे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्लेयर बैटर्स की। ठीक है, प्लेयर बैटर्स की बात करें तो रोहित शर्मा वर्सेस पाकिस्तानी बॉलर्स, तो रोहित शर्मा वर्सेस शादाब खान 2 बार आउट कर चुके बट 117 रन बना। हरी सरोप ने वनडे क्रिकेट में कभी आउट नहीं किया बट टी ट्वेंटी क्रिकेट में 2 बार आउट किया है। शाहीन शाह आफरीदी ने वनडे क्रिकेट में 1 बार, टी ट्वेंटी क्रिकेट में 1 बार आउट किया है। हसन अली 1 बार आउट कर चुके 95 रन देके, ठीक है, और किसी ने आउट नहीं किया। शुभमन गिल को शाहीन ने 1 बार आउट किया, हरी सरोप ने 1 बार आउट किया हुआ है। विराट कोहली की बात करें तो शाहीन शाह आफरीदी को 1 बार आउट कर चुके हैं। ठीक है, वही बात करें श्रेयस अय्यर तो हरी सरोप ने 1 बार आउट किया है। हार्दिक पांड्या को शाहीन ने 1 बार आउट किया और किसी ने आउट नहीं किया है। जड्डू की बात करें इनको भी शाहीन 1 बार आउट कर चुके, तो शाहीन ने ऑलमोस्ट सबको एक एक बार तो मिनिमम आउट किया हुआ है एक ईयर को छोड़े तो थोड़ा शाहीन पे फोकस करना ऑब्वियसली गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वही बात करें अब हम लोग पाकिस्तान के बैटर्स वर्सेज इंडियन बॉलर्स की, तो इमाम उल हक बुमराह 1 बार इनको आउट कर चुके हैं। ठीक है, बाबर आजम को कुलदीप 2 बार आउट कर चुके हैं पिछले साल के वर्ल्ड कप के, तो याद है ही आपको पिछले साल नहीं लास्ट वर्ल्ड कप में 19 में। ठीक है, हार्दिक पांडे 1 बार आउट कर चुके हैं इनको। ठीक है, मोहम्मद रिजवान की बात करें तो शार्दुल ठाकुर ने 1 बार आउट किया है, हार्दिक पांड्या ने इनको टी ट्वेंटी क्रिकेट में 2 बार आउट किया हुआ है। ठीक है, इफ्तिकार अहमद को कुलदीप 1 बार आउट कर चुके हैं और शादाब खान की बात करें तो बुमराह प्लस कुलदीप दोनों ने एक एक बार आउट किया हुआ है। ओके सो दोस्तों बात करते हैं अब हम लोग एक्सचेंज 22 की, चलते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, देखते हैं कि यहाँ पे किस प्लेयर को हम लोग बाय या फिर सेल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या इनको आप लोग बाय कर सकते हो 61 में, और कोई देखते हैं टॉस के टाइम पे मैं बताऊंगा बाकी चीज़ें, बट अभी के लिए तो ये। और पाकिस्तान की ओर से मुझे लगता है शॉर्ट सकीर इनको बाय कर सकते हो 34 में, और कोई में अगर रहेगा तो मैं आपको टॉस के टाइम पे बता दूंगा। और अगर हम लोग चले मार्केट में, जैसे कि आपने बहुत सारे कमेंट्स किए कि मार्केट के बारे में प्रेडिक्शंस दो, तो जैसे कि शॉर्ट सकीर को आप लोग इनका कॉल कर सकते हो। ठीक है, कॉल इनका ले सकते हो, अभी तो लोगों ने कॉल लेके रखा हुआ है, तो आपको पुट लेना है तो आप ले सकते हो। पुट मतलब क्या, तो आपको ये देखना है कि अगर 34 पॉइंट्स मतलब शॉर्ट सकेल अगर 34 से कम पॉइंट्स देने वाला है तो पुट कर दो, अगर 33 पॉइंट्स दे दिए उससे कम दे दिए तो फिर आप 100 रुपये जीत जाओगे, अगर 34 पॉइंट्स दिए फिर 34 से ज़्यादा दिए तो आप हार जाओगे, ये बात जरूर याद रखना। ठीक है, पुटे अपने उनके फ्लॉप के ऊपर पैसा लगा रहे हो तो अगर पुट करना है तो। ठीक है, कॉल के लिए जैसे मान लो कि अगर कोई प्लेयर है जो अच्छा करेगा तो आप उसे कॉल करो। हार्दिक पांड्या देख लो अभी इनका भी पुट ऑलरेडी करके रखा हुआ है, मोहम्मद सिराज कॉल, अगर आपको लग रहा है कि मोहम्मद सिराज 45 या फिर 45 से ज़्यादा पॉइंट्स देंगे, ठीक है, तो उसका कॉल ले लो, अगर उन्होंने 45 या फिर 45 से ज़्यादा पॉइंट्स दिए तो आप लोग जीत जाओगे, आपको 57 के 100 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो सिंपली हेड टू हेड से जैसा है, बट वो जो पॉइंट्स है ना वो कम या फिर ज़्यादा मतलब नीचे रहना चाहिए फिर ऊपर जाना चाहिए तो आप जीत जाओगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो खेलो यार, बढ़िया सा एप्लीकेशन है एक्सचेंज 22, और कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट पर आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड करो। जैसे साइन अप करोगे आपको 50 रुपीज़ एप्लीकेशन खुद होके दे देगी कि भैया खेलो, आपको कोई डिपॉजिट करने की ज़रूरत है नहीं, आपसे 28% GST नहीं ली जाती, आपसे 30% TDS भी यहाँ पे नहीं लिया जाता, सो दैट्स वाई दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन। ओके सो दोस्तों जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो ये हमारी स्मॉल लीग टीम है जिसमें मैंने अभी के लिए 9 प्लेयर्स पिक कर लिए हैं। ठीक है, देखो ये 9 में से 8 प्लेयर्स तो मैं लेके ही जाऊंगा, बट कुलदीप के जगह पे सिराज को भी लिया जा सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना, बट बाकी प्लेयर्स तो कंपलसरी रहेंगे मेरी टीम में। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, हमें और 3 प्लेयर्स को या फिर 2 प्लेयर्स को पिक करना है। तो रिजवान और राहुल ले चुका हूँ, किशन ओपन करेंगे अगर खेलते हैं तो, वरना तो मोस्ट लाइकली शुभमन गिल को इस मैच में खेलना चाहिए, तो अभी के लिए मैंने किशन को ड्रॉप किया है। बैटिंग मैंने सिर्फ विराट कोहली को ही पिक किया है, इसके अलावा देखो रोहित तो है ही, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है, ले सकते हो। बाबर इज देयर, पहले 2 मैच अच्छे नहीं रहे, इंडिया के सामने भी इनके स्टैट्स बहुत खराब है, बट स्टिल ले सकते हो बिकॉज बड़े प्लेयर है। अब्दुल शफीक ने पिछले मैच में 100 लगाया था, गिल कमबैक करेंगे इस मैच में, क्वालिटी अच्छे लग रहे हैं, प्रैक्टिस भी अच्छी करी थी और अहमदाबाद के पिच को बहुत अच्छे से समझते भी है, तो आप इनको डेफिनेटली ले सकते हो। अय्यर इज देयर गेम चेंजर, शॉर्ट सर्किल की मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप इनको पिक कर सकते हो। ऑलराउंडर में हार्दिक और जड्डू को मैं ले चुका हूँ, इसके अलावा शादाब खान और मोहम्मद नवाज इज देयर। ठीक है, नवाज के इंडिया के सामने स्टैट्स अच्छे हैं विद द बैट, तो वो नोट करना। शादाब प्रॉपर ऑलराउंडर है तो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों वहाँ पे मिल जाती है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो वो चीज़ है। उसके अलावा बुमराह, हरीसरोप, शाहीन और कुलदीप में 4 बॉलर्स को ले चुका हूँ। इसके अलावा ऑप्शंस देखो, मोहम्मद सिराज, हसन अली, इवन अगर आप देखोगे तो इन दैट केस शार्दुल ठाकुर एज वेल, तो ये बहुत अच्छे ऑप्शंस बन जाते हैं आपके लिए बॉलिंग सेक्शन में ऑल्सो। तो 2 प्लेयर्स की अगर बात करें तो एक तो मैं यहाँ पे रोहित को ले ले रहा हूँ, ठीक है, एक रोहित को ले लिया, और फाइनल प्लेयर में मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ कि बाबर को लूँ
या शादाब खान को ले लूँ, ठीक है, या फिर नवाज को ले लूँ, इन तीन प्लेयर्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ग्रैंड लीग की बात करें तो शॉर्ट सर्किल को मैं ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करूंगा, उसमें कोई डाउट है नहीं। गिल इज ऑल्सो देयर, जैसे ही प्लेइंग इलेवन में देखेंगे मोस्टली पब्लिक इनको ले लेगी। मुझे बस डाउट ये है कि भाई साहब डेंगू हुआ था, ठीक है, तो टाइम लगता है रिकवर होने में, ठीक है, वीकनेस होती है और अच्छी खासी वीकनेस रहती है, और तो अगर आपके बॉडी में वीकनेस है तो माइंड माइंड उतना आपका फोकस नहीं हो पाता है, ठीक है, तो बस उसी बात का मुझे डर है। अदरवाइज गिल यार टॉप क्लास फॉर्म में है, तो ठीक है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, तो बस वही एक डर रहेगा मुझे कि वीकनेस के चक्कर में गिल कहीं विकेट फेंक ना दे, तो उस वजह से मैं अभी के लिए गिल को नहीं ले रहा हूँ, बट यार हो सकता है कि मैं फाइनल टीम में गिल को पिक कर लूँ, ठीक है। अभी मैं फाइनल प्लेयर की बात करें तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ किसके साथ जाना चाहिए, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग विद बाबर आजम, और ये बनती है मेरी टीम, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली मैंने इंडिया को फेवर करके इंडिया के 7 प्लेयर्स लिए, पाकिस्तान के 4 प्लेयर्स लिए हैं, बट बन सकता है, चेंज हो सकता है, बड़ा मैच है तो पिच बहुत मैटर करेगी, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे। कुलदीप की जगह पर सिराज को लिया जा सकता है, ये बात जरूर याद रखना, यहाँ पे सिराज को ज़्यादा हेल्प मिल सकता है, बट बड़ा ग्राउंड है तो कुलदीप अपने स्पिन में फंसा सकते हैं पाकिस्तानियों को, तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। तो अभी के लिए ये टीम है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी मेरी जा रही है यहाँ पे हार्दिक पांडे को, ठीक है, कैप्टनसी मैं हार्दिक को ही दूंगा, बिकॉज बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देते थे और एक्सपीरियंस बहुत सारा यहाँ पे खेलने का, तो कैप्टनसी उनको जाएगी। वाइस कैप्टनसी में यार बॉलिंग ऑप्शंस में बहुत अच्छे ऑप्शंस थे, जैसे बुमराह एक अच्छे ऑप्शन है जिनको वीसी किया जा सकता है, बैटिंग में अगर सोच ही रहो तो विराट कोहली बहुत अच्छे ऑप्शन है जिनको वीसी किया जा सकता है। कैप्टनसी मेरी हार्दिक को है, वाइस कैप्टनसी विराट कोहली को है, एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है मोहम्मद रिजवान, जिनका फॉर्म बहुत बढ़िया रहा है, नंबर 4 पे बहुत अच्छा खेल भी रहे हैं, तो उनको भी आप कंसिडर कर सकते हो, अपॉइंट उनको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग विद द इंडियन प्लेयर्स हार्दिक पांड्या एंड विराट कोहली, बाकी आप चाहो तो मोहम्मद रिजवान के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। और ये तो कोई फाइनल टीम बनती नहीं हमारी स्मॉल लीग की, ये हमारा एक प्रीव्यू है टॉस से पहले, मैच मैच स्टार्ट होने से पहले। फाइनल टीम जो बनेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे टॉस के बाद अपडेट कर दी जाएगी, तो आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। ग्रैंड लीग की बात करें तो बुमराह के स्टैट पाकिस्तान के सामने बहुत अच्छे है नहीं, बट यहाँ पे ये कमबैक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन ट्राई कर सकते हो। शाइन एज यूजुअल और अच्छा करते हैं टॉप ऑर्डर में इंडिया के अगेंस्ट, तो उनको आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा जो गेम चेंजर जो डिफरेंशियल पे मैंने बताए थे, जिनका सिलेक्शन बिल्कुल ना के बराबर है, वो आपके ग्रैंड लीग के टीम्स में होने चाहिए, उनको आप लोग रोटेट जरूर करना, बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। और अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच रही ना तो भाई साहब बैटर्स पे फोकस करो, ये बहुत रन बना सकते हैं। ओके चलो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।